हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, जय हिंद। और इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमें कोई वाक्य दे दिया, उस वाक्य को यदि हम एक शब्द के अंदर समेटना चाहे, एक शब्द के अंदर उस वाक्य को बताना चाहे, तो उस वाक्य को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उस एक शब्द को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है मर्डर ऑफ ए मैन। तो ये हमें वाक्य दे दिया, यदि किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उसे हम कहेंगे मर्डर ऑफ ए मैन। तो इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में दे दिया रेजिसाइड, ऑप्शन बी में दे दिया होमिसाइड, ऑप्शन सी में दे रखा है जीनोसाइड, और ऑप्शन डी में दे रखा है फ्रेटरीसाइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है, इसकी जो हिंदी मीनिंग होता है राजहत्या। मतलब जो कोई राजा होता है, किसी देश का राजा होता है, किसी राज्य का राजा होता है, किसी प्रांत का राजा होता है, यदि उस राजा की हत्या कर दी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेजिसाइड। वन वर्ड के अंदर उसे कहेंगे रेजिसाइड। इसी प्रकार ऑप्शन बी है, तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? होमिसाइड। मर्डर ऑफ ए मैन, होमिसाइड। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन सी में हमें दे रखा है जीनोसाइड। यदि फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाती है, बहुत सारे लोगों की हत्या करते हैं हम, तो उसे हम क्या कहेंगे? नरसंहार। जिसे एक शब्द में क्या कहेंगे इंग्लिश में? जीनोसाइड। तो फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन सी है ये इसका गलत आंसर होगा। इसी प्रकार ऑप्शन डी में हमें दे रखा है फ्रेटरीसाइड। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेटरीसाइड होता है ये क्या होता है? जैसे भाई की हत्या या बहन की हत्या, इसके साथ ही जो अपने समुदाय के लोग होते हैं उनमें से किसी एक की हत्या कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेटरीसाइड। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, होमिसाइड। इसके आगे सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में दे रखा है यूज ऑफ फोर्स एंड थ्रेट टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, ये इसमें दे रखा है। मतलब फोर्स के साथ और धमकियों के साथ, थ्रेट्स के साथ किसी को एग्री करना किसी चीज़ के लिए, ताकि वो उस काम को कर दे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दे रखा है कोर्सियन, ऑप्शन बी में दे रखा है कॉन्विक्शन, ऑप्शन सी में दे रखा है कन्फेशन, ऑप्शन डी में दे रखा है काजुअलमेंट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है कॉन्विक्शन, इसका हिंदी मीनिंग होता है दृढ़ विश्वास, या इसकी जो हिंदी मीनिंग एक और मीनिंग होता है दोष सिद्धि। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यदि हमारे किसी में दृढ़ विश्वास है तो हम इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? कॉन्विक्शन। ऑप्शन बी में दे रखा है कॉन्फेशन। अब यदि हमने कोई गलत काम कर दिया तो उस आरोप को यदि हम स्वीकार करते हैं तो उसे हम कहेंगे स्वीकारोक्ति, या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फेशन। इसके आगे देखते हैं डी में, यदि हम किसी की चापलूसी करते हैं, किसी के साथ चालाकी करते हैं, तो इसे वन वर्ड में क्या कहेंगे? काजुअलमेंट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, कोएर्सियन। इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, प्लेस वेयर वाइन इज मेड। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज के इस वीडियो का, ऐसा स्थान जहाँ पर शराब बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है बेकरी, ऑप्शन बी में दे रखा है क्लॉक रूम, ऑप्शन सी में दे रखा है टनेरी, ऑप्शन डी में दे रखा है ब्रेवरी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो शराब की भट्टी होती है इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेवरी। तो ऐसा स्थान जहाँ पे शराब बनाई जाती है तो इसे हम कहेंगे ब्रेवरी। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है, शराब की भट्टी। अब हम यहाँ से देखेंगे कि जो क्लॉक रूम है ये क्या होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं जो क्लॉक रूम होता है, सामान रखने का जो घर होता है उसे हम कहते हैं क्लॉक रूम। इसी के साथ फ्रेंड्स, जो चमड़े का कारखाना होता है जहाँ पर जूते वगैरह बनाए जाते हैं, इसी के साथ जो घड़ियाँ बनाई जाती है चमड़े की, तो ऐसा जो चमड़े का कार्य किया जाता है तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं? टनेरी। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, ये हमें दे रखा है कोई घटना या कोई ऐसी दुर्घटना जो बहुत ही थोड़े समय के लिए रहती है, अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए रहती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में दे रखा है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी में दे रखा है टेम्पोरल,
ऑप्शन सी में दे रखा है टेम्परेरी, ऑप्शन डी में दे रखा है टेम्परेट, यह हमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब अस्थायी या थोड़े समय के लिए जो घटना घटित हुई है उसे हम कहेंगे टेम्परेरी। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, मतलब जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट। इसके साथ ही टेम्पोरल का मीनिंग होता है लौकिक, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है टेम्परेट। तो टेम्परेट का मीनिंग क्या होता है, टेम्परेट का मीनिंग होता है शीतोष्ण। शीत और उष्ण दोनों को जो संधि करते हैं तो हमें प्राप्त होता है शीतोष्ण, मतलब ऐसी वस्तु जो ठंडी भी है और गर्म भी है। तो जो नरम जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेट। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का अपना जो सी है ये राइट आंसर होने वाला टेम्परेरी। इसके आगे फिफ्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। यहाँ से हम देखेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है, बहुत घृणा होती है, बहुत बुरी घृणा होती है, उसे हम क्या कहेंगे एक शब्द में। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अवर्जन, ऑप्शन बी में दे रखा है एंटीपैथी, ऑप्शन सी में दे रखा है एपैथी, और ऑप्शन डी में दे रखी है डेस्पेयर। यहाँ से हम देखेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हमें दे रखा है अवर्जन। तो अवर्जन का मतलब क्या होता है, अवर्जन का मतलब भी घृणा ही होता है, लेकिन फ्रेंड्स दो व्यक्तियों के बीच में ये घृणा होती है, इसका जो वन वर्ड हो जाएगा एंटीपैथी। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही जो अवर्जन होता है, अवर्जन का मतलब ही घृणा ही होता है, लेकिन ये घृणा जो है ये वर्ड है ये किसी और यूज़ में लिया जाता है, जैसे सिगरेट की गंध आती है, इसके साथ ही जो बीड़ी तंबाकू होता है उसकी गंध आती है, तो उस गंध से यदि हमें घृणा होती है, इसके साथ ही कोई बैड स्मेल आ रही है, स्मोक आ रही है, तो उसे हमें घृणा होती है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अवर्जन। तो इस प्रकार इस घृणा के लिए हम इस वर्ड को यूज़ लेंगे अवर्जन को। इसके साथ ही यदि दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है, तो उसके लिए उस घृणा को हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एंटीपैथी। इसके साथ ही ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अपैथी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी में हमें दे रखा है अपैथी, जिसे हम कहते हैं उदासीनता हिंदी में। इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है डेस्पेयर, जिसका मतलब होता है निराशा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है एंटीपैथी। इसके आगे सिक्स्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश। ऐसी आर्ट या ऐसी स्ट्रीम, मतलब इसका मतलब यह हो गया, ऐसी स्ट्रीम हमें बतानी है जिसमें एनिमल्स की मतलब जानवरों की, बर्ड्स मतलब पक्षियों की, और फिश मतलब मछलियों की, इनकी जो स्किन होती है, इस स्किन को संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, सुरक्षित रखने का कार्य किया जाता है, ऐसी स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है टैक्सोनॉमी, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है टैक्सीडर्मी, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है टोपोलॉजी, और ऑप्शन डी में दे रखा है सेस्मोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो स्किन होती है, इस स्किन से रिलेटेड वर्ड होता है एक डर्मी, मतलब ये जो डर्मी वर्ड होता है DERMY, ये जो वर्ड होता है ये स्किन से रिलेटेड होता है, जैसे कि डर्मी कोल हो गया, डर्मी पाउडर हो गया, इस प्रकार ये जो वर्ड होता है ये स्किन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे कि जो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो टैक्सीडर्मी है ये इसका राइट आंसर होने वाला है। तो जो जानवरों की, इसके साथ ही मछलियों की, फिशेस की, इनकी जो स्किन होती है इनको प्रिजर्व रखकर इनकी सुरक्षा करने के लिए जो साइंस यूज़ में ली जाती है, स्ट्रीम यूज़ में ली जाती है, उसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। इसके साथ ही सातवें क्वेश्चन में हम चलते हैं रिलेटेड टू मून। अब जो मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सोलर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मूनी, ऑप्शन सी में दे रखा है हनीमून, और ऑप्शन डी में दे रखा है लूनर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सोलर होता है वो सूर्य से रिलेटेड होता है। इसके साथ ही जो मूनी है ये कोई वर्ड नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे कि जो मूनी है ये फ्रेंड्स कोई वर्ड नहीं है, तो ये ऑप्शन बी है ये तो अपना वैसे भी गलत होने वाला है। इसके साथ हम देखते हैं ऑप्शन सी हनीमून, तो ये भी अपना गलत होने वाला है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला लूनर। तो इस प्रकार ऑप्शन डी अपना फ्रेंड्स राइट आंसर होने वाला है लूनर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो सातवां क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। इसके आगे आठवें क्वेश्चन में चलते हैं, स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए अर्थक्वेक।
अब अर्थक्वेक होता है, ये क्या होता है, ये होता है फ्रेंड्स जब इसका हिंदी में मीनिंग होता है भूकंप, जब धरती हिलती है, जब प्लेट टकराती है धरती के नीचे वाली, तो धरती हिलती है और हमारी जो धरती हिलने के कारण ये जो भूकंप आता है, इसको हम भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। तो इस अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मापने के लिए कि कितने कितनी ताकत के साथ ये अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है, इस स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम कौन से स्केल का यूज़ में लेते हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सेल्सियस, ऑप्शन बी में दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन सी में दे रखा है रिचर, ऑप्शन डी में दे रखा है लाइनर। तो फ्रेंड्स अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, मतलब कि जो रिचर स्केल होता है, इस रिचर स्केल की सहायता से हम किसी भी अर्थक्वेक की, किसी भी भूकंप की स्ट्रेंथ को नाप सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, रिचर स्केल। इसके आगे 9वें क्वेश्चन में चलते हैं। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल और शिप ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड ईटीसी आर कैप्ट। ये हमें बताना है कि ऐसा जो कमरा है जिसके अंदर किसी होटल के अंदर, किसी शिप मतलब जहाज के अंदर या किसी घर के अंदर ऐसा रूम है जहाँ पर ग्लासेस है, डिशेज है, स्पून्स है, फूड है, ईटीसी रखा जाता है आदि वगैरह रखा जाता है, उस कमरे को क्या कहते हैं, और ये जो रूम है ये स्मॉल रूम होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा है पोर्टिको, ऑप्शन बी में दे रखा है पेंट्री, ऑप्शन सी में दे रखा है मेजनाइन, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है किचन। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकें जो किचन होता है वहाँ तो खाने को पकाया जाता है, तो यहाँ पर केवल और केवल फूड को रखने की बात हो रही है, इसके साथ ही जो ग्लासेस है, डिशेज है, और जो स्पून से मतलब चम्मचे हैं इनको रखने की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी तो अपना कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा है मेजनाइन, ऑप्शन ए में दे रखा है पोर्टिको। तो इनका जो हिंदी मीनिंग है ये फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है। इसके साथ ही अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है, पेंट्री। जो पेंट्री होता है ऐसा रूम होता है किसी घर के अंदर, किसी होटल या शिप के अंदर ऐसा रूम होता है जिसमें ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स और फूड को रखा जाता है। इसके आगे हम 10वें क्वेश्चन में चलते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, यह हमें दे रखा है। अब कोई व्यक्ति की कोई ना कोई इच्छा होती है, तो इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने हिसाब से कोई कार्य करता है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है विलिंगफुली, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑब्लाइजिंगली, ऑप्शन सी में दे रखा है वॉलेंटरली, ऑप्शन डी में दे रखा है कंपल्सरली। अब हम देखते हैं तो ऑप्शन ए है विलफुली, तो ये विलफुली है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता, वर्ड होता है विलिंगफुली, तो ऑप्शन बी ए तो अपना कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ही ऑप्शन बी हमें दे रखा है ऑब्लाइजिंगली, तो ऑब्लाइजिंगली का मतलब होता है किसी के साथ बाध्यता से कोई कार्य करवाना, तो इसे हम कहते हैं ऑब्लाइजिंगली, तो बाध्यता के साथ कर रहा है तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं ऑप्शन सी में वॉलंटरली, वॉलंटरली होता है स्वयंसेवक रूप से, यदि हम कोई कार्य को अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे वॉलंटरली, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके साथ ही ऑप्शन डी में हमें दे रखा है कंपल्सरली, तो ऑप्शन डी है कंपल्सरली, इसका मतलब क्या होता है, अनिवार्यता के साथ, तो ऑप्शन डी भी अपना गलत आंसर हो जाएगा, अनिवार्यता मतलब लगभग बाध्यता ही हो गई, तो ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा। इसके आगे 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज़, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत अटपटा है, इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर रिफ्यूज़ मतलब शरण प्रदान की जाती है, तो शरण किसको प्रदान करेंगे, किसी विशेष वर्ग को, किसी विशेष समुदाय को यदि हम शरण देते हैं तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे। ये चार ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है शेल्टर, ऑप्शन बी में दे रखा है हाउस, ऑप्शन सी में दे रखा है कंट्री, और ऑप्शन डी में दे रखा है असाइलम। अब किसी विशेष वर्ग को शरण हमें देना है तो उसके लिए अपना जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी होने वाला है, असाइलम। यहाँ से हम देखेंगे शेल्टर होता है निवास स्थान, तो ऐसा जो ऐसी शरण है, ऐसा शरण स्थल है जहाँ पे सभी को हम निवास दे सकते हैं, सभी को शरण दे सकते हैं, तो उसे तो हम कहेंगे शेल्टर या शरण स्थल। इसके आगे ऑप्शन बी में दे रखा हाउस, तो हाउस किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई ना कोई फैमिली रहती है तो उसे हम हाउस कहते हैं। ऑप्शन सी में दे रखा कंट्री, तो कंट्री में तो लगभग सभी व्यक्ति आ गए, तो इसे ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही जो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी विशेष वर्ग को यदि हम शरण देते हैं तो उसे हम कहेंगे असाइलम या
तो अब फ्रेंड्स ये असाइलम होता है, असाइलम का मतलब भी शरण होता है और शेल्टर का मतलब भी शरण स्थल होता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है, असाइलम। तो जैसे पागलखाना हो गया तो इसे हम कहेंगे मेंटल असाइलम। तो वहाँ पर केवलों के पागलों को रखा जाता है, तो किसी विशेष वर्ग को शरण देते हैं तो उसे हम कहेंगे असाइलम। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने लगभग 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को शेयर करें और फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।